भगवान पधारे, उनका नाम था कपिल। बोलो कपिल भगवान जय हो। कपिल भगवान का अवतार है, बचपन से ही सिद्ध और दाढ़ी और बाल साथ में लिए जन्म लिए। सिद्धानाम कपिलो मुनि भगवान कहते हैं। गौर वर्ण के बड़े सुंदर भगवान कपिल आए तो करदम ऋषि ने प्रणाम किया, भगवान से आज्ञा ली और वन में जाकर सन्यास लिए। सुखम सन्यस्तम। और देखो माता को ज्ञान दिया, माता को स्वरूप का बोध कराया कपिल भगवान ने। सांख्य शास्त्र जग कह दियो, मात ही दियो स्वरूप, आदि देव देव होते सुत, गंगा सागर भूप, गंगा सागर भूप। सांख्य शास्त्र का निर्माण करके जगत कल्याण के लिए सबको दे दिया। माँ को स्वरूप का बोध कराकर भगवान कपिल गंगा सागर में नित्य निवास करने लगे। और इसके बाद माता देवहूति भगवान का भजन करती 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 तुच्छ शरीर का त्याग किया, भगवान के धाम में गई। इधर प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था, उनकी अनेक कन्याएं, उन्हीं कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था सती, छोटी वाली कन्या, उसका विवाह भगवान शिव के साथ में, महादेव के साथ में किया। लेकिन दक्ष प्रजापति की बेटी थी इसलिए उसमें थोड़ा पिता का गुण ज्यादा आ गया। कभी कभी किसी में पिता का गुण आता है, किसी किसी में माता का गुण आ जाता है। तो इसमें पिता वाला गुण ज्यादा था। दक्ष का मतलब होता है चतुर, और ये मालूम है कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, चतुर न पावे पार। चतुर इसमें पार नहीं पा सकता। खुशरो दरिया प्रेम का उल्टिया की धार, जो निकला सो डूबया, जो डूबा हुआ पार। इसमें चतुर चतुराई नहीं चलेगी। भगवान के साथ में क्या चतुराई। महादेव, महादेव इसको कहते भोलानाथ। क्या कहते हैं, कभी सुना भगवान का नाम चतुरनाथ हो? भगवान चतुरनाथ नहीं है, भगवान तो भोलानाथ है, जो भोला भाला है। दुनिया के लोग कहते हैं बाबा इसका गुजारा कैसे होगा, ये तो बहुत भोला छे, बहुत भोला मानस छे। लेकिन भगवान का नाम भोलानाथ है, वहां चतुराई ठीक नहीं। शिव जी कथा सुनाते लेकिन सती तर्क करती। शिव जी ने भगवान के दर्शन कराए लेकिन सती ने वहां भी तर्क कर दिया, ये भगवान कैसे हो सकते। विष्णु जो सुरहित नरतन धारे, विष्णु जो सुरहित नरतन धारे, सुसर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, सुसर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी,
खोज किसो खोज ईसो के अग्य इव नारी खोज ईसो अग्य इव नारी। विष्णु यदि धारण शरीर धारण करके आए होते तो वो तो शिवजी की तरह सर्वज्ञ है, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी है। इसलिए मुझे लगता है ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। शिवजी ने इनको प्रणाम क्यों किया? एक राजकुमार को प्रणाम किया। शिवजी ने बहुत समझा, यद्यपि कहो शिव बार बहु लागन उर उपदेश हरि माया बलु जान जिय। बोले बिहसी महेश, हंसकर बोले देवी यदि ऐसी बात है तो जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा ले ली, सीता जी का रूप बनाया, शिव जी को अच्छा नहीं लगा, मन ही मन त्याग किया। उनके पिता दक्ष भी भगवान से द्वेष करते थे। दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया। सती आई यज्ञ में, देखा शिव का स्थान नहीं है, सती को अच्छा नहीं लगा। किसी ने बात तक नहीं पूछी और ताने मारने लगे। सती को बड़ा क्रोध आया। सती ने कहा कि शिव की निंदा करने वालों तुम सब पछताओगे, तुम सबको फल मिलेगा इसका। लोगों ने कहा कि आप तो सब आपके पिता ने ही तो किया है। पिता मंदवते निंदत ते ही, पिता को भी धिक्कारा। लोगों ने कहा आखिर बेटी तो उन्हीं की हो, क्या करोगी? बोले मैं इसीलिए शरीर का त्याग करूंगी। सती ने योगाग्नि में शरीर का त्याग किया है। शिव गणों ने यज्ञ विध्वंस करना चाहा, भृगु ने सबको रोक लिया। बाद में भगवान ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस करके जब दक्ष दौड़ा है तो उसकी गर्दन काटकर आहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस हुआ, हाहाकार बच गया, सब इधर उधर भागे। बाद में शिव जी को मनाने के लिए सब देवता कैलाश पहुंचे। शिव को यद्यपि बहुत दुख हुआ है लेकिन ये शिव जी का भोलापन है कि कोई मनाने के लिए आए तो तुरंत मान भी जाते हैं। ये शिव जी की विशेषता है। सब मनाने लगे, बाबा आप तो जगत के कल्याण के लिए जीते हैं। शिव जी शीघ्र मान गए और आए। कहा कि यज्ञ शुरू करो, यजमान कहाँ है? यजमान तो वहीं पड़ा हुआ था। बोले इसकी तो गर्दन नहीं है। तब बोले भगवान इसकी गर्दन तो खत्म हो गई। देखा वहीं पर बकरा बलि में दिया था। बकरा समझते हो ना? बकरा क्या बोलते हैं आपके गुजरात में? जो बकरे की बलि देते हैं, तो हाँ वहीं रखा था उसके गर्दन। बोले कि अच्छा ये तामसी यज्ञ करता है, इसी को जोड़ दो और चिकित्सा की और उसको जीवंत कर दिया। यानी तामसी यज्ञ किसी को पसंद नहीं, भगवान को तो खासकर पसंद नहीं है। यही कारण था कि दक्ष को बकरी के ही गर्दन लग गई। और बाद में फिर यज्ञ का शुभारंभ होता है। दक्ष ने भगवान की वंदना की है और अपनी गलती को स्वीकार किया है और इसके बाद प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों की कथा शुरू होती है। तो उत्तानपाद जिसके दो पुत्र हैं, नाम है उत्तम और ध्रुव, दो पत्नी भी है, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। आप सब जानते हैं सुनीति का मतलब क्या होता है,
अच्छी नीति, सुंदर नीति, जो सिद्धांतों पर है ना चले, जो मूल्यों पर चले, और दूसरी होती है सुरुचि, जो इच्छाओं पर चले। मन में हुआ चल दिया, मन में आया चलो वहां फरवा जाए, तो सवेरे उठ गई टेम्पू किया और चले गए ऋषिकेश। ये भी नहीं सोचा कि यहां आए कथा सुनने के लिए, कथा छोड़ के ही घूम रहे हैं। नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहता है, मूल्य क्या कहता है। तो मूल्यों का ध्यान दे, नीति का ध्यान दे, उसका नाम सुनीति, और जो रुचि को ध्यान दे उसका नाम सुरुचि। हम सबके पास दो पत्नियां अर्थात दो प्रकार की बुद्धि है। यदि हम रुचि को ध्यान देंगे तो रुचि का पुत्र होता है, उसका नाम होता है उत्तम, और नीति को ध्यान देंगे तो उसका पुत्र होता है, उसका नाम होगा ध्रुव। याद रखना, उत्तम का मतलब आप समझते होंगे बढ़िया, हाँ समाज के लिए बढ़िया हो सकता है, भौतिक जगत के लिए अच्छा होगा, उसको व्यवहार का पूरा ज्ञान रहेगा, लेकिन उत्तम, उत मतलब होता है विष्णु, तत् विष्णु, सत विष्णु, सम विष्णु, ये सब भगवान के पर्यायवाची नाम है, और तस्मिन तमः अर्थात जो भगवान के विषय में, तम यानी अंधकार अज्ञान, जो भगवान के विषय में कुछ नहीं जानता, उसका नाम है उत्तम। रुचि के अनुसार चलेंगे तो आप दुनिया में ही घूमते रह जाएंगे, भगवान के विषय में आपके अंदर अंधकार हो जाएगा, भगवत विषय कुछ भी ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा। लेकिन यदि आप नीति के अनुसार चलेंगे तो एक दिन ध्रुव मिलेगा, ध्रुव मिलेगा तो एक दिन निश्चित रूप से भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव का मतलब जानते हैं ना, जो अटल है, जो निश्चित है, शाश्वत है, सदातन है, सनातन है, नित्य है, वही ध्रुव है। लेकिन राजा ने भी वही किया जो हम लोग करते हैं, रुचि को ध्यान दिया। एक दिन राजा बैठे थे और इतने में वहां ध्रुव आया। राजा की गोद में पहले से उत्तम बैठा हुआ था, आज ध्रुव राजा की गोद में बैठना चाहता है उछल करके, लेकिन गोद में जगह कम है, यदि ध्रुव बैठे तो वो गिरे। सुरुचि ने देखा कि ध्रुव बैठ रहा है, मेरा बेटा गिर जाएगा, तो सुरुचि को बड़ा झटका लगा, आई और खींच करके इधर पटक दिया धरती पर, मेरा बेटा बैठा है ऊपर, और तुम तो दासी का पुत्र हो, दासी का बेटा कहे राजा की गोद में बैठता है, खबरदार ऊपर बैठने की चेष्टा मत करना, तो दासी का पुत्र है। ध्रुव की माता को बारंबार दासी दासी कहकर उनको चिढ़ाए, ध्रुव को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बड़ी कर्कश है, उसको दया नहीं आती है। ध्रुव दुखी हो गया, धक्का देकर गिरा दिया और यह भी कहा, हां यदि तुझे सचमुच में पिता की गोद में बैठना है तो पहले वन में जा, तपस्या कर और फिर भगवान मिल जाए तो उनसे यह मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो, और जब तेरा जन्म मेरी कोख से होगा तब तू राजा की गोद में बैठने के लायक बनेगा। बड़ा दुखी हुआ, वहां से रोता रोता आया, मां की आंचल से लिपट गया ध्रुव। मां ने कहा बेटा क्या हुआ, दूसरे बच्चों ने भी देखा, जिसने देखा था उसने बताया कि ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मां ने ठीक ही कहा है, असली पिता तो जो जगत के पिता है जगदीश है, वन में ही रहते हैं। अच्छा मां वो वन में रहते हैं, हाँ बेटा वो कैसे मिलेंगे, बोले इसके लिए तप करना पड़ता है,
और हर किसी को तप करके भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान के दर्शन हो जाए फिर दुनिया का काम करे। ध्रुव ने कहा कि तो माँ आप भी चलो ना मेरे साथ, आपको भी तो भगवान चाहिए ना। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, आपको अभी भगवान मिले नहीं इसलिए आप जाए, मुझे भगवान मिल गए। आपको भगवान मिल गए कहाँ है? बोले वो जो गद्दी पर बैठा है ना तुम्हारा पिता, वही मेरे लिए भगवान है। मेरा धर्म मेरी नीति कहती है मुझे इनका साथ देना, तुम बन जाओ। ध्रुव को बड़ा दुख हुआ कि मुझे माँ से अलग होना पड़ेगा, लेकिन निश्चय किया कि अब हम चलेंगे। मातो सपत्न्या सदुरुत विद्धा श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। जैसे कोई जहरीले और भयानक विषैले सर्प को लोग लाठी से मारकर उसकी कमर तोड़ दिया हो, सर्प कैसा तड़पता है और दुखी रहता है। शक्ति है लेकिन कमर टूट गई है, सौतेली मां के विषैले वचनों ने घायल कर दिया है, व्यथित हो गए। लंबे लंबे सांस हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुदं सकाशम। आखिरकार माँ को प्रणाम किया है, माँ मैं जाऊं? हाँ बेटा, बेटा तू जल्दी जा इसके पहले कि मैं मेरी आंख से अश्रु निकलने लग जाए, फिर तू जा नहीं पाएगा। माँ ने अपने आंसुओं को समेटा है, रोक के रखा है, पलकों से दबा कर रखा है और बेटे को विदा किया है, पीछे से आशीर्वाद दिया है। ध्रुव कहता है कि माँ वन में मेरी रक्षा कौन करेंगे, अकेले मैं कैसे वन में रहूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा तू अकेले नहीं रहेगा, वहां वन में मिलेंगे श्री नारद तुम्हें, वहां वन में मिलेंगे श्री नारद तुम्हें, देंगे भक्ति का वरदान नारद तुम्हें, देंगे भक्ति का वरदान नारद तुम्हें। मिलते भक्ति से, मिलते भक्ति से, मिलते भक्ति से, हाँ मिलते भक्ति से, मिलते भक्ति से भगवन मुरारे है, मिलते भक्ति से भगवन मुरारे है। बेटा जाओ वाह बन देव, वाह बन देव, वाह बन देव करेंगे रक्षक तेरे, वाह बन देव रक्षा करेंगे, वाह बन देव
रक्षा करे तो वह फल मूल भक्षण को देंगे तुम्हें, वह फल मूल भक्षण को देंगे तुम्हें, वह फल मूल भक्षण को देंगे तुम्हें, वह फल मूल भक्षण को देंगे तुम्हें। होगी विपदाना, होगी विपदाना, होगी विपदाना, होगी विपदाना, होगी विपदाना वन में बिहारी है, होगी विपदाना वन में बिहारी है। बेटा दूजा संग में दुआ हमारी है, धन भारत में ऐसी महतारी है, धन भारत में ऐसी महतारी है। बेटा पूजा संग में दुआ हमारी, बेटा पूजा संग में दुआ हमारी। परम पूज्य स्वामी जी पधार रहे हैं, एक बार सभी लोग खड़े होकर के हमारे स्वामी जी का स्वागत करें। सभी लोग खड़े होकर के जोरदार ताली स्वागत करें हमारे पूज्य गुरुदेव का। संतों के दर्शन मिलेंगे तुम्हें, वह संतों के दर्शन मिलेंगे तुम्हें, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वह संतों के दर्शन मिलेंगे तुम्हें, वह संतों के दर्शन मिलेंगे तुम्हें, वह भक्तों के सत्संग मिलेंगे, वह भक्तों के सत्संग मिलेंगे तुम्हें, वह संतों के दर्शन मिलेंगे, वह संतों के दर्शन मिलेंगे तुम्हें, मिलते भक्ति से, मिलते भक्ति से, मिलते भक्ति से, वो मिलते भक्ति से, मिलते भक्ति से भगवान मुरारी, मिलते भक्ति से भगवान मुरारी। बेटा पूजा सब में दुआ हमारी, बेटा पूजा सब में दुआ हमारी। धन्य भारत में हो, धन्य भारत में, धन्य भारत में धुमकी महारी है। बेटा पूजा सौभाग्य है ध्रुव को माँ ने आशीर्वाद दिया, वहाँ संतों के दर्शन मिलेंगे तुम्हें, और आज हम लोगों को भी यहाँ हमारे बीच में संत महापुरुष के रूप में परम पूज्य परमादर्श और निर्वाणी अखाड़े से संबद्ध परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर 1008 स्वामी श्री कमलानंद
सरस्वती जी महाराज, स्वामी कल्याणानंद, सॉरी कल्याणानंद स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज सम्मितान। तो स्वामी जी बड़े सौहार्दपूर्ण हृदय से हम दर्शन करने के लिए गए थे दो दिन पहले, और मैं निवेदन किया था स्वामी जी आपका दर्शन कथा के मध्य में हो, और आपने बड़ी कृपा करके अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी समय निकाल करके यहाँ दर्शन दिया है। हम सब स्वामी जी के बहुत आभारी हैं। एक बार कल्ता ध्वनि से स्वामी जी का अभिनंदन करिए और स्वामी जी का स्वागत करिए फूलमाला से और चंदन तिलक करिए। मैं जरा प्रसंग को समेट लूं, स्वामी जी प्रसंग को पूरा कर लेता हूँ। आप करिए, आप अभिनंदन करिए। ध्रुव जी वन में जाते, देवर्षि नारद की कृपा से उनको, देखो भगवान की खोज में जीव जब निकलता है तो गुरु खोजना नहीं पड़ता, गुरु खुद दर्शन देने के लिए चले आते। आप भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाइए, गुरु नहीं खोजना है, गुरु तो मार्ग में भगवान खुद भेजेंगे आपके पास कि जाइए उसको मेरे नाम का मंत्र दीजिए। और ध्रुव को भगवान का मंत्र मिला देवर्षि नारद से, और मात्र 6 महीने तक भजन किए, और उसका परिणाम ये हुआ कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। श्रीमन नारायण ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और वरदान दिया है। ध्रुव तो नेत्र भी नहीं खोलना चाहते, लेकिन भगवान ने ध्रुव के अंदर से वो रूप कर्षण किया है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। स्वामी जी का आशीर्वचन भी लेना है, इसलिए मैं प्रसंग को पूरा करता हूँ। और भगवान ने देखा कि ध्रुव कुछ प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो भगवान ने अपना जो पांचजन्य शंख था स्पर्श कराया, स्पर्श बालम कृपया कपोले, और कृपा पूर्वक भगवान ने, भगवान के आशीर्वाद मिलते ही ध्रुव के सारी वृत्तियां खुल गई, सारी ग्रंथियां खुल गई, और उनके सारी तन मन सारी इंद्रियां जागृत हो गई, स्तुति करने लगा। योम तप प्रविश मम वाच इमां प्रसुप्ताम संजीव यत्यखिल शक्त धरा सुधामना अन्याश्च हस्त चरणौ श्रवण त्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जय हो, जय। वंदन किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि तुम्हें राज्य मिलेगा और अंत में हमारा धाम भी तुम्हें आना है। 36,000 वर्ष तक भगवान के आशीर्वाद से ध्रुव ने राज्य किया, और अंत में जब देखा कि ध्रुव का पुत्र उत्कल को राज्य सौंप करके ध्रुव जी हरिद्वार आ गए, और यहाँ ध्रुव ने तप किया, और तप करके भजन करते करते वह समय जब आया, अंत समय, विमान आया ध्रुव को लेने के लिए। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं। भगवान के धाम ध्रुव लोक भगवान ने ध्रुव के लिए बसा दिए। चरन्ति दक्षिणी कृत्य भ्रमन्तो यत् सतारकाः। सारे ग्रह उपग्रह ध्रुव की प्रदक्षिणा करते, परिक्रमा करते हैं। इसी वंश में आगे चल करके अंग अंग के पुत्र बेन, बेन के पुत्र पृथु, और पृथु से चल करके आगे इसी वंश में ऋषभदेव आए, ऋषभदेव के बाद भरत आए। भरत ऋषि की जो निर्मल गाथा पूरा भारतवर्ष जानता है,
और हम भरत की तीन जन्मों की कथा श्रीमद् भागवत में है। चूंकि ध्रुव भरत भरत चरित्र बहुत उज्ज्वल है, समाज के लिए प्रेरणाप्रद है। प्रथम जन्म में भरत ने राजर्षि अपने पुत्र को राजपाट सौंप के वन में आए गंडकी नदी के किनारे तप किया, लेकिन वासना एक मृग शावक में रह जाने की वजह से अगले जन्म में उसे मृग बनना पड़ा। भगवान की कृपा बनी, चूंकि भजन किया था इसके प्रताप से ख्याल बना हुआ था। अगले जन्म में फिर ब्राह्मण के शरीर में जन्म हुआ, तो इस बार सावधान रहे, किसी से कुछ बात ही नहीं किया। घर में माता पिता समझा कर हार गए। माता पिता के गुजरने के बाद भाइयों ने घर से निकाल दिया, घूमते रहे। भद्रकाली के दरबार में इसको पकड़ कर लाया गया बलि देने के लिए। माँ काली ने रक्षा की, आगे बढ़े वहाँ से। तो सिंधु सौवील देश के राजा रहुगण, जो गुरु की खोज में सत्संग के लिए जा रहे थे गंगा सागर, पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। लोगों ने इसको पकड़कर कहार में लगा दिया, लेकिन चलने में गड़बड़ी हो रही थी, बारंबार डांट रहे थे। रोक करके पूछा, तुम कौन हो? तब इनका उत्तर था कि राजन, जो तुम समझ रहे हो मैं वह नहीं हूं। तुमने इस शरीर को देखा होगा लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तुमने जड़ को देखा, मैं चेतन हूं। तुमने घटने बढ़ने वाले मोटे पतले शरीर को देखा, मैं घटने बढ़ने वाला नहीं, मोटा पतला नहीं। राजा की आंखें खुली है, सुंदर सुंदर प्रश्न किए और भरत ने उत्तर दिए। इस बार भी नाम भरत ही था, जड़ता अधिक होने से नाम पड़ गया जड़ भरत। और आखिरकार ग्रह उपग्रह का ज्ञान, उनको सारा भवाटवी का संसार चक्र का ज्ञान कराया, नरकों का ज्ञान कराया और जगत के कल्याण के लिए उसका कल्याण किया। दरअसल में जो माँ बाप से बात नहीं किए जड़ भरत, गुरु से बात नहीं किए, आज एक रहुगण से क्यों बात किया? क्योंकि ये वही है शिशु शावक, ये जो हिरणी का बच्चा था ना, वो संतों के सानिध्य में रह कर अगले जन्म में वही राजकुमार बन करके आज राजा बना है। तो इनको लगा कि आज यदि इनसे नहीं बोला तो शायद इनका उद्धार पता नहीं कब होगा, इसीलिए बोल गए और उनका कल्याण किया। आगे हम सीधा वामन भगवान के प्रसंग में चलते हैं। इंद्र ने एक बार दुर्वासा ऋषि के दिए गए जो फूल माला थी, उस फूल माला का तिरस्कार किया। संतों का दिया हुआ प्रसाद तुरंत ग्रहण करें, ऐसा नहीं कि उसको दे के उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, ये हम देखते रहते हैं। इसलिए आज प्रसंग में मैं कह देता हूँ, तुरंत ग्रहण करिए प्रसाद को। इंद्र ने उस माला को हाथी पर रख दिया, हाथी ने उसको उठाया, पैरों से रौन डाला। दुर्वासा ने देखा, अरे मेरी दी गई माला का अपमान करता है, तुझे अभिमान हुआ, जा श्रीहीन हो जा। माला तो श्री का प्रतीक है, पूरी अमरावती श्रीहीन हो गई इंद्र की। इंद्र को कहीं अच्छा नहीं लगा। इंद्र भगवान विष्णु के पास गए तो वहां से लक्ष्मी जी गायब हो गई, चले गई समुद्र में। भगवान ने कहा, अब तो तुम्हें सागर मंथन करना चाहिए। तो देवताओं ने असुरों से संधि करके समुद्र का मंथन किया, उद्योग किया, और उद्योग करके फिर से, इसका मतलब यदि हमारे जीवन में कभी विपत्ति आए, विपत्ति तो आती रहती है, धनवान थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, गाड़ियां थी, घर परिवार भरा पड़ा था, आज कुछ नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी मित्रता कर लो,
जो तुमसे नीचे थे, झुके थे कभी, आज उनके सामने झुकना सीख जाओ और उनसे मित्रता करके एकता को बना करके उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, अभिमान न करो। सबने मिलकर पुरुषार्थ किया और फिर से स्वर्ग से रत्नों को प्राप्त किया। पहले तो विष निकलता है, जब भी आप उद्यम करते तो कुछ न कुछ निकलता ही है। विष को महादेव ऐसे परोपकारी ने पान किया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, सब ने सब कुछ लिया। मणि को भगवान ने लिया, स्वयं लक्ष्मी निकली, नारायण ने ग्रहण किया, अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई, वारुणी मदिरा असुरों ने लिया, लेकिन देवताओं के नाम अभी तक कुछ मिला नहीं था। आखिर में साक्षात धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। उसके बाद अमृत कौन लेगा, कौन लेगा, असुरों ने छीन करके झपट करके ले गए। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, भगवान विश्व मोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पिलाए, असुरों को मोहित किया। बाद में देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की जीत हुई। देव तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया अमृत संजीवनी की विद्या के प्रभाव से। और फिर यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, शक्ति प्राप्त करके यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें स्वर्ग पर विजय चाहिए। यज्ञ नारायण ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और ऐसा रथ दिया, उस रथ पर बैठकर बलि स्वर्ग गए और फिर से स्वर्ग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। देवताओं की हार हुई बुरी तरह से, कंदराओं में भटकने लगे। बलि ने जाकर गुरुदेव शुक्राचार्य से कहा कि ये स्वर्ग का राज्य हमें हमेशा के लिए मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि राजन, इसके लिए तुमको 100 यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ। कहा करेंगे, और 1, 2, 3, 4 करके 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, 100वां अभी बाकी था। इधर देवताओं की माँ अदिति बहुत चिंतित रहती कि मेरे पुत्र दर बदर भटक रहे हैं। ऋषि कश्यप से निवेदन किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो बाकी पुत्रों को उनका घर राज्य वापस करा दे। और फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में माता अदिति ने ऋषि कश्यप के कहने से पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से माँ के कक्ष में भगवान श्रीमन्नारायण ने दर्शन दिया और प्रकट होकर कहा, माँ मैं आता हूँ आपके कल्याण के लिए, क्या चाहिए आपको? माँ ने कहा कि मुझे देवताओं के लिए उनका राज्य वापस चाहिए। तो राज्य का मालिक कौन है? बोले वो तो बलि है। भगवान ने कहा कि मैं बलि को मार नहीं सकता, वो तो यज्ञ कर रहा है, उसको कैसे मारूं? माँ ने कहा चाहे जैसे भी हो, कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं मार तो नहीं सकता लेकिन मांग तो सकता हूं ना, अपने भक्तों के लिए मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार। और भगवान वामन बन के प्रकट हो गए। और भगवान आज वामन के रूप में छोटे बनकर, भीख मांगना है तो मांगने वाला छोटा रहता है, कभी ऊंचे पर खड़े होकर नहीं मांगना, नीचे आकर मांगना। भगवान ने शिक्षा दी है। जैसे आए देवताओं में हर्ष उल्लास हुआ और सब ने उनको सजाया है, झांकी तैयार है। भूयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भगवान भगवान वामन को, भगवान वामन को बिठाओ इधर कुर्सी पर और यजमान परिवार यहाँ के पूजन करें, तब तक स्वामी जी का उधर आशीर्वचन चलेगा। विष्णु वामन बनिया बियारे, ऊपर ऊपर ले आते इधर
स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी आशीर्वचन दे रहे हैं और उसके बाद फिर शेष कार्यक्रम होगा। आइए। हरि 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 ओम हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय कारे वीर बजरंगे हर हर। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य वयोवृद्ध
सतगुरु स्वामी श्री रामचंद्र गिरी जी महाराज जी जिनकी कृपा छाया तल में बैठकर व्यास पीठ को सुशोभित कर रहे आप सभी के हृदय के राजा, आप सभी को ज्ञान भक्ति और वैराग्य के माध्यम से श्रीमद् भागवत का अति सुंदर कथा सुनाकर आनंद की प्रवाह प्रवाहित कर रहे मेरे परम प्रिय श्रद्धेय श्री महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरिजी महाराज जी, उनके साथ मूल पाठ एवं षोडशोपचार विधि विधान से पूजा करा रहे, यज्ञ करा रहे आचार्य बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा में सुसज्जित संगीत से और भी अमृत घोल रहे मेरे समस्त संगीतज्ञ बंधुओं, परम श्रद्धेय यति वृंद, विप्र समाज, श्रीमद् भागवत की पूजा नित्य प्रति करा रहे सभी यजमान वृंद, दूर प्रदेशों से पधारी हुई सभी संगत, भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों, बड़ी सुंदर कथा अभी मैं भी सुन रहा था, सौभाग्य था सुन रहा था, लेकिन संकोच से कहना पड़ रहा है कि कहीं जाना है, इसलिए मैंने महाराज जी को विक्षेप, आप तो सोच रहे होंगे कि खीर में कंकर कहाँ से आ गया, बहुत स्वादिष्ट खीर सेवन कर रहे थे, बीच में दांतों में कंकर बच जाए, खीर में चूरमा आ गया, एहसास होता है महसूस होता है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी करके पहले मैंने माइक महाराज जी से निवेदन करके ले लिया। श्रीमद् भागवत, देखो स्वनाम धन्य श्री महाराज जी आपको सुना रहे हैं, पहले तो नाम देखिए, आशुतोषानंद जी महाराज, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होना, जो अति शीघ्र संतुष्ट हों उनका नाम है आशुतोषानंद। और क्योंकि संत हैं, काशी जैसे ज्ञान नगरी में विश्वनाथ जी के छत्र के नीचे विराजमान रहते हैं, इसलिए उनका भी नाम आशुतोष है और इनका भी नाम आशुतोष है, तो आपका परम सौभाग्य है कि आशुतोष से आपको कथा सुनने को मिल रही है। और आप देखिए श्रीमद् भागवत की सृष्टि में जो पहली कथा हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी, हरिद्वार में ही सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई है। और सबसे बड़ा सौभाग्य आप सभी के लिए, संतों का आश्रम और सुखदेव, सुखदेव किसको कहोगे, जो विराजमान हैं, यति हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, ये स्वयं सुखदेव हैं, वो सुखदेव जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो तो होंगे तत्ववेत्ता, लेकिन हमारे लिए तो भैया यही हमारे सुखदेव हैं, यही हमारे सुखदेव हैं। सुखदेव भी ऐसे ही थे, युवा थे और एकदम वाणी में सशक्त ताकत थी, और जिसको कथा सुनाई उनको परम गति प्रदान कर दी। और हम भी यही भावना लेकर के यहाँ पर इतने समूह में बैठे हैं कि कथा का फल हमको भी परिपूर्ण रूप से जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि संतों के आश्रम में कथा हो रही है,
हरिद्वार जैसे पावन पवित्र तीर्थ में कथा हो रही है और सुरसरी भगवती महारानी गंगा के तट पर कथा हो रही है। ठीक है, काशी में तो विश्वनाथ जी विराजमान हैं, लेकिन यहां भी हमारे दक्ष भगवान बिल्कुल पास में विराजमान हैं। एक महाशक्ति वहां है तो ये भी कम नहीं है। दक्ष प्रजापति का प्रभाव, भगवान दक्षेश्वर महादेव का प्रभाव महाराज जी ने शायद संक्षिप्त रूप से, क्योंकि भागवत की कथा कोई कहे कि 3 घंटे में हमको पूरी सुना दे, ये सपने में भी मत सोचना। श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है तो 4 घंटे सवेरे, 3 घंटे शाम को, 7 घंटों का समय आप दीजिए और पूरी तरह से आप एकाग्रता से सुनने के पक्के यजमान श्रोता बनिए, राजा परीक्षित बनकर आप बैठिए और ये सुनाएं। फिर श्रीमद् भागवत 7 दिनों में कहीं थोड़ा सा किनारा लगता है, नहीं तो श्रीमद् भागवत को लोग कहते हैं महाराज जी ने वो प्रसंग नहीं सुनाया, कथा व्यास ने वो वाला प्रसंग तो सुनाया ही नहीं, सुनाए कहाँ से, वक्त कितना होता है। उसके बीच में आप लोगों का मन लगा रहे उसके लिए थोड़े बहुत भजन कीर्तन भी करने पड़ते हैं, लेकिन इतनी देर बैठ करके मैंने जो सुना, यदि आप एकाग्रता से इस कथा को जितनी ये सुना पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने की चेष्टा इनकी रहेगी तो वो भी आप हृदयंगम कर लेंगे, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ भगवान जरूर कृपा करेंगे, कथा का फल परिपूर्ण रूप से आपको मिलेगा। लेकिन एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता 2 बातों से आती है, या तो थोड़ा लोभ हो या भय हो। राजा परीक्षित को भय था इसलिए उसको एकाग्रता थी, लेकिन हम भी याद रखना परीक्षित से बड़े नहीं हैं। परीक्षित को 7 दिनों का समय मिला था तो हमको ये नहीं कि 100 साल का समय मिला है, हमारे को तो ये भरोसा नहीं कि 7 मिनट भी अगले हमारे, 7 सेकेंड भी सुरक्षित हमारे निकलेंगे, ये भी भरोसा नहीं है। इसी भय को कि आगे क्या होगा, यदि कथा सुनते सुनते हरि ओम हो जाए या कथा सुन के घर में जाते हरि ओम हो जाए, अगले क्षण में हमारा कुछ हो जाए तो क्या होगा, इस क्या होगा के भय को हृदय में रख करके आप कथा सुनोगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कथा आपको जरूर लगेगी, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जहाँ बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं ये हरिद्वार है, काशी के बाद हरिद्वार का नंबर आता है, जहाँ करोड़ों ऋषि मुनि आज भी अदृश्य रूप से साधना कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं। यहाँ का ठीक है, दक्ष प्रजापति मंदिर की पहचान बना दी, ये दक्ष मंदिर है, ये बिल्केश्वर मंदिर है कि ये वो अमुक मंदिर है, ये तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिए, पर अप्रत्यक्ष रूप से आपको मैं बताऊं, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, इसलिए हरिद्वार के एक एक कंकर की इतनी कदर करो, इतना मान करो कि मस्तक झुकाओ हर कंकर के लिए, क्योंकि संतों की साधना से हर कंकर में शंकर का प्रवेश है। यहाँ का कुछ भी है उसमें संतों की साधना के परमाणु छुपे हुए हैं, इसलिए सभी से निवेदन है, तीर्थों में आए हैं, मौज मस्ती तो घरों में, गांव मोहल्लों में, अपने शहर में बतेरा कुछ हो सकता है, दुनिया भर का सामान खरीदना ये तो वहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो हमारी होड़ लगनी चाहिए कि किसकी साधना ज़्यादा हो, गंगा किनारे बैठ करके कथा सुने उसके बाद भजन, किसका भजन ज़्यादा हो,
सेवा और व्रत किसकी ज्यादा हो, ये जो है आप लोगों को एकाग्रता से करना होगा, तभी तीर्थ सेवन का फल है। नहीं तो महाराज जी सुनाया करते हैं, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और कहीं पाप हो जाए तो माँ गंगा रगड़ रगड़ के पाप धो देती है, क्योंकि कोई भी माँ बच्चे को गंदा नहीं देखना चाहती। पर तीर्थ में आकर गंगा किनारे आकर कोई अपराध हो जाए तो फिर उसको वज्रलेप के समान होता है, उसको धोने में कोई भी शक्ति सक्षम नहीं है। इसलिए सावधानी से तीर्थ सेवन होना चाहिए, सावधानी से कथा श्रवण होना चाहिए और सावधानी से यहाँ आपका समय गुजरे। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है, माँ गंगा से मेरी यही प्रार्थना है, सद्गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप आए हैं, आपका लक्ष्य परिपूर्ण रूप से आपको हासिल हो। इतना कहते हुए मैंने वक्त बहुत ले लिया है, क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हेलो, अपने बदा खूब भाग्यशाड़ी छे कि आज अग्यारस अने गुरुवार ना दिवसे एक गुरुना रूपे एक आपने आज अग्यारस ना पवित्र दिवसे आपने संतना दर्शन थया। खरेखर आपणो आ यज्ञ कार्य एकदम सद्भावना थी थई रह्युं छे एनु आ प्रमाण छे। केम के कोई संत आईने आपने दर्शन आपी जाए तो समझी लेवानुं के आ कार्य आपणुं 100% फळ आपनारुं कार्य छे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत हर्षित और प्रफुल्लित हुए हम और कृतकृत्य हुए स्वामी जी के दर्शन से। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय पुनः पुनः। और सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है संतों के दर्शन शांति बनाए रखें। संतों के दर्शन ये कथा का फल है। और स्वामी जी के साथ में आए स्वामी गिरीशानंद जी, आपका भी अभिनंदन। आप हमारे मित्र हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं हम सबका। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, बामन भगवान की जय। आप सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। बामन भगवान आप सबके मध्य में आ रहे हैं। जिनको भी बामन भगवान को भिक्षा देनी है वो उनके पात्र में डालें, बामन भगवान भिक्षा लेने आ रहे हैं। पहले जो यजमान परिवार, पहले हमारे योगेंद्र जी कैलाश बा आए, बावन भगवान का पूजन करें, भिक्षा दें, उसके बाद में जो भी पूजन करना चाहे, भिक्षा देना चाहे, बावन भगवान आपके मध्य में आएंगे। कैलाश बा पहले हमारे बावन भगवान सब यहाँ बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ, पूरा परिवार, पूरा परिवार यहाँ बैठ जाओ आपस में, सब बैठ के यहाँ पूजन करो। विष्णु 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 बामन बनिया बियारे, विष्णु बामन बन आबियारे, विष्णु बामन बनिया बियारे, विष्णु बामन बन आबियारे, मटाड़वा बिजो इंद्र मरवा बनिया
छत्र शीश पर धरियो रे, लाल छत्र शीश पर धरियो रे, लाल छत्र शीश पर धरियो रे, लाल छत्र शीश पर धरियो रे, करुणा का मंडल सार मार वाला, करुणा का मंडल सार मार माँ का मंडल सार मार वाला, माँ का मंडल सार मार वाला, विष्णु बामन बनिया रे, विष्णु बामन बनिया रिया रे, कालो बामन बनिया रे, वालो बामन बनिया चर्म काख मा शोभ तुरे, मेघ चर्म काख मा बामन तुरे, मेघ चर्म काख मा शोभ तुरे, मेघ चरण काख मा शोभ तुरे, त्रिपुंड भाल मा विराल विष्णु बामन बनिया बिहारे, विष्णु बामन बनिया